दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 22 रन, फिर हुआ चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को आखिरी के 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस मौजूद थे। अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी यह रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। मैच की शुरुआत हुई जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहाँ पहले ही ओवर में बाबर आजम ने शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में मोहम्मद रिजवान के बल्ले से भी एक बाउंड्री देखने को मिली। इस ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 10 रन बटोरे। वहीं एक के बाद एक मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। पाकिस्तान की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। वहीं अब पांचवें ओवर में मोहम्मद रिजवान के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब पावर प्ले के 6 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 47 रन बना लिए थे। अब पावर प्ले के बाद 7वां ओवर एडम झंपा लेकर आए, जहां इस ओवर में एडम झंपा ने मात्र 4 रन खर्च कर दिए। हालांकि इसके बावजूद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वहीं 8वें ओवर में बाबर आजम ने एक करारा चौका जड़ा और इस ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 11 रन बटोर लिए। लेकिन अब 9वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने सफल ओवर निकाला और मात्र 6 रन खर्च कर दिए। इसके बाद 10वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहली सफलता मिली, जहां एडम झंपा ने बाबर आजम को 39 रन के स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ 10 ओवर में पाकिस्तान की टीम एक विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी। वहीं 11वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने मात्र 4 रनों का ओवर निकाला, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर में मोहम्मद रिजवान ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया और इस ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 14 रन बटोर लिए। लेकिन अब मिचेल स्टार्क ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी का नजारा दिखाया और ओवर में मात्र 3 रन खर्च कर दिए। 14वें ओवर में फखर जमान ने अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और शानदार चौका जड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ अब इसी ओवर में मोहम्मद रिजवान ने एक करारा छक्का लगाया और अगली ही गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 15 ओवर में पाकिस्तान की टीम मात्र एक विकेट के नुकसान पर 117 रन बना चुकी थी। एक के बाद एक पाकिस्तान की टीम मजबूत पक्ष में जा रही थी, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट हासिल करने में असमर्थ दिख रहे थे। वहीं फखर जमान और मोहम्मद रिजवान के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब फखर जमान ने 17वें ओवर में एक शानदार और करारा छक्का लगाया, तो वहीं पर इसी ओवर में मोहम्मद रिजवान ने भी एक छक्का जड़ा और एक चौका भी लगाया। इस ओवर में जोस हेजलवुड ने 21 रन खर्च कर दिए, लेकिन 18वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने मोहम्मद रिजवान को 67 रन पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन आप सभी को बता दें कि इसके बावजूद इसी ओवर में फखर जमान के बल्ले से एक और छक्का और चौका देखने को मिला। अब 19वें ओवर में नए बल्लेबाज आसिफ अली भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस ओवर में पैट कमिंग्स ने विकेट के साथ साथ मात्र 3 रन खर्च कर दिए। इसके बाद 20वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने शोएब मलिक को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर में फखर जमान ने 2 तूफानी छक्के जड़े और इसी के साथ साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 20 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 176 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के सामने 177 रनों का लक्ष्य था। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में डेविड वार्नर और एरन फिंच की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन पहले ही ओवर में एरन फिंच शाहीन अफरीदी की गेंद पर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को खराब शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद इमाद वसीम ने 5 रनों का किफायती ओवर निकाला, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में मिचेल मार्च के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, तो वहीं पर चौथे ओवर में डेविड वार्नर ने एक छक्का और 2 लगातार चौके लगाए। वहीं 5वें ओवर में मिचेल मार्च ने एक के बाद एक बेहतरीन छक्का और चौका जड़ा। इसी के साथ डेविड वार्नर और मिचेल मार्च के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए।
लिए थे। लेकिन सातवें ओवर में शादाब खान ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और मिचेल मार्च को 28 रन पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बावजूद इसी ओवर में नए बल्लेबाज ड्यू स्मिथ ने शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर आठवें ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इस ओवर में मोहम्मद हाफिज ने 13 रन खर्च कर दिए। अब नौवें ओवर में एक बार फिर से डेविड वार्नर ने एक और करारा छक्का जड़ दिया, लेकिन अब इसी ओवर में ड्यू स्मिथ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 88 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में शादाब खान ने डेविड वार्नर के रूप में एक बड़ा विकेट हासिल किया और डेविड वार्नर को 49 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में इमाद वसीम ने 3 रनों का किफायती ओवर निकाला। इसके बाद 13वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने भी मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद इसी ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और 14वें ओवर में मैथ्यू वेड के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना चुकी थी। वहीं अंतिम 38 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 62 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 12 रन बटोर लिए थे। इसके बाद 17वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने एक और छक्का और अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने 13 रन बटोर लिए। वहीं इसके बाद 18वें ओवर में मैथ्यू वेड ने एक छक्का और चौका लगाया। 18वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 15 रन बटोर लिए थे। अब आखिरी के 12 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर जहां शाहीन अफरीदी लेकर आए, इस ओवर में मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी को 3 लगातार छक्के जड़े और मैच को एक ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट से जीत लिया। दोस्तों इसी में पाकिस्तान की हार पर और ऑस्ट्रेलिया की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें।